الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات صدق الله العظيم وقال تعالى فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة صدق الله العظيم عزیزان گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اس نے امت مسلمہ کو دنیا کی ایک نجس قوم کے مقابلے میں زیر ہونے سے بچا لیا قرآن مجید میں ہے مشرکون نجس مشرک ناپاک لوگ ہیں اور ناپاک بھی ایسے کہ ناپاک چیزوں میں وہ تقدس اور حرمت ڈھونڈتے ہیں جب تک صبح کے وقت وہ گائے کا پیشاب نہ پی لیں ان کا ناشتہ نہیں ہوتا ایسی نامراد اور ناپاک قوم اور اس کا لہجہ گفتگو دھمکیاں اور تقریباً آزاد کشمیر کو فتح کرنے والے یہ ایسی صورتحال تھی جو ناقابل برداشت تھی اور ادھر مسلمان قوم پورا عالم اسلام اور خصوصاً پاکستان دو باتوں پہ ان کی گہری نظر تھی ہر شخص جو سوچنے والا ہے وہ پریشان تھا پہلی بات یہ کہ کیا ہم اپنا دفاع کرنے کے لائق ہیں کیا ہمارے پاس ایٹمی طاقت موجود ہے یا گزشتہ 10-15 سال سے ایسے ہی شور مچایا جا رہا یہ ایک سوال کھڑا ہو گیا تھا دوسرا سوال یہ تھا کہ کیا ہم آزاد قوم ہیں ہم اپنے فیصلے خود کرتے ہیں یا ریموٹ کنٹرول سے کوئی باہر کا چودھری ہمارے فیصلے کرتا ہے یہ دوسرا سوال تھا اور پوری قوم اس پریشانی میں مبتلا تھی کہ ان دونوں سوالوں کا ہمیں جواب ملنا چاہیے میں کہتا ہوں ہمارے سارے قرضے معاف ہو جاتے ہم میں سے ہر شخص سونے کے نوالے کھانے لگ جاتا لیکن ان دونوں سوالوں کا جواب اگر نفی میں ہوتا تو ہمارے ہر نوالے پہ لعنت ہماری زندگی کے ایک ایک سانس پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہم تو مسلمان ہیں ہماری تو ساری زندگی جہاد ہے
देखिए जब बरतानिया पे जंग मुसल्लत की गई तो सियानों ने दानिश्वरों ने बरतानिया को भी यही मशवरा दिया कि मियां बर्दाश्त करो जरा, अगर तुम भी आ गए मैदान में तो जंग अजीम हो जाएगी, मारे जाओगे, तुम्हारी मईशत तबाह हो जाएगी, तुम्हारे हाथ से सारी दुनिया के मुल्क निकल जाएंगे, तुम्हारा कुछ नहीं बचेगा। उसने एक बात का ऐलान किया, उसने कहा दो बातों में से एक बात इख्तियार करना है, या महकूम जेरे नगी बरतानिया अच्छी माशी हालत में, माशी हालत तो अच्छी हो, सारी मशीनें चल रही हों, पूरी दुनिया से तिजारत हो रही हो, लेकिन जर्मनी के जेरे नगी आ जाए और जो जर्मनी हमें डिक्टेट करे हम वो करते चले जाए। उसने कहा कि खुशहाल मगर महकूम बरतानिया, ये एक सूरत। दूसरी सूरत कि माशी तौर पे बदहाल मगर आजाद बरतानिया, तो क्या फैसला करते हो? और पूरी कौम ने फैसला किया कि आजाद मगर माशी तौर पे बदहाल बरतानिया हमें कबूल है, खुशहाल मगर महकूम बरतानिया हमें कबूल नहीं है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है और हमें आज नमाज जुमा के बाद दो नफल नमाज पढ़ने हैं शुक्राना के, अल्लाह का शुक्र अदा करना है कि उसने इन दोनों सवालों का ऐसा हमें जवाब दे दिया कि हमारी गर्दन बुलंद हो। अमेरिका बहादुर हम पे पाबंदियां लगाता है, लगा ले, अपनी खैर मनाए। ये जो मैं कह रहा हूं मिंबरे रसूल पे बैठ के, ये किसी दीवाने की पढ़ नहीं है, हम पे पाबंदियां लगाता है ना। चंद ही साल के बाद खुद अमेरिका का अंजाम देख लेना। और मैं प्रेस के जरिए से अमेरिका को मुतनब्बे करूंगा कि वो अपनी सालमियत की फिक्र करे, उसका मुल्क अंदर से टूटने वाला है, टुकड़े टुकड़े होने वाला है, वो हम पे माशी पाबंदियां लगाएगा, उसकी मईशत बिखरने वाली है। अल्लाह का निजाम अदल पे मबनी है, वो कहीं कहीं अदल को अपने हाथ से यूं हटा दे और अब रहमत का हाथ ले आए, वो उसकी मर्जी है, लेकिन उसका निजाम अदल पे मबनी है। अमेरिका ने जापान में जो कुछ किया, नागासाकी और हिरोशिमा, फिर कोरिया में जो कुछ किया, फिर वियतनाम में, फिर कश्मीर में, इराक में, बोस्निया में, चेचनिया में, फलस्तीन में, ये सारे जराइम अल्लाह की नजर से, कुदरत की नजर से पोशीदा नहीं है। मुझे बतौर स्टेट गेस्ट के अमेरिका में बुलाया गया कि साहब हमारे कुछ मसाइल हैं, जब मुझे नहीं पाकिस्तान से दो दानिश्वरों को बुलाया गया,
10 और मुल्कों से भी दो दो दानिश्वर बुलाए गए। तो 20-22 दानिश्वरों को अमेरिका के दानिश्वरों के साथ बिठाया गया, 23 दिन तक बैठे रहे और अमेरिका का दौरा कर। सिर्फ एक मसला, ये बातें मैं ना बताता आज बता रहा, सिर्फ एक मसला के अमेरिका बहादुर को अंदर से खतरा है। हमारे अंदर टूट फूट हो रही है, इसका क्या इलाज है? तो मैंने एक तकरीर में खुल के कहा, तुम्हारा इलाज सिवाय टूट फूट के और कोई नहीं है। तुम समझते हो कि कुदरत ना इंसाफ है, जापान, कोरिया, वियतनाम, बोस्निया, कश्मीर, इराक, फलस्तीन, वेस्ट एशिया, सारे जराइम कुदरत की निगाह से ओझल हैं और कुदरत तुम्हारी डिप्लोमेसी और तुम्हारे प्रोपेगंडे को कबूल कर लेगी, उठा लेगी, अपना निजामे अदल छोड़ देगी। मैंने एक सवाल किया, कालों से डरते हैं वो और काले इत्तेफाक से इस्लाम भी कबूल कर रहे हैं, सारा डर कालों से और इस्लाम से। मैंने उनसे सिर्फ ये पूछा, मैंने कहा कितने काले हैं तुम्हारे यहां? मैं ये 15 से 20% और ये 15 से 20% इतने दहशतनाक हैं कि इलाके हैं नक्शों पे उन्होंने लिखा हुआ है कि इस इलाके में कोई काला दाखिल नहीं हो सकता, दाखिल होगा तो उस पर हमला हो जाए। ये वो इलाके हैं जहां कोई गोरा दाखिल नहीं हो सकता, गया तो फिर वापस नहीं आएगा। ये उनकी अपनी मालूमात जो है उन्होंने हमें दी। मैंने कहा इत्तिलान अर्ज है, मैं 13 साल सऊदी अरब में रह के आ रहा हूं, वहां पे भी काले हैं और वहां पे भी काले 15 से 20% की तादाद में, लेकिन हमें आज तक किसी काले से खतरा नहीं हुआ कि वो हमें मारेगा। क्यों खतरा नहीं हुआ? कि हमने किसी पे जुल्म नहीं किया। तो ये माशी पाबंदियां, पहले तो बिल क्लिंटन साहब अपनी जान की खैर मनाएं, अपनी इज्जत की खैर मनाएं, उनका जो भांडा चौराहे में फूट रहा है पहले तो उसकी खैर मनाएं, फिर अपनी कौम की खैर मनाएं, अपनी मईशत की खैर मनाएं। हम तो दरवेश लोग हैं। शाह फैसल ने कहा कि देखो ये जितने तेल के कुएं हैं ना, मैं एक ही बटन दबाने से सबको उड़ा दूंगा। और वापस उन्हीं खजूरों पे और ऊंटनी के दूध पे चला जाऊंगा। तेल खत्म होने से हमें इतनी तकलीफ नहीं होगी जितनी तुम्हें होगी। मियां, हमारा सारा मसला तो वो लोग हैं जो एयर कंडीशन कमरों में रहते हैं। इस मुल्क के 80% देहाती जो रूखी सूखी खाते हैं, पाबंदियां लग जाएं फिर भी वो वही खाएंगे, ना लगे फिर भी वो वही खाएंगे। खतरा तो गुलबर्ग वालों को है, डिफेंस वालों को है, इन्हें इंसान के बच्चे बनना पड़े, इनकी वजह से कौम की इज्जत को और गैरत को दांव पे नहीं लगाया जा सकता। कौम उन 80% लोगों का नाम है, इन नचैयों का नाम नहीं है।
چھڑکنے والے لوگوں کا، ڈش اینٹینا رکھنے والے لوگوں کا، تنک تنک تھا تھیا کرنے والے لوگوں کا، یہ قوم نہیں ہے، یہ ناسور ہیں، یہ باہر سے پلانٹڈ ایک مخلوق ہے، بیرون پلٹ، جو یہاں پہ آ کے عیش کر رہے ہیں لیکن یہاں کے لوگ نہیں ہیں، ان کی وجہ سے اور ساری تکلیف انہی کو ہو رہی ہے، ساری دانشوری انہی کی پھڑک رہی ہے۔ اس لیے عزیزان گرامی، فطری آسان سادہ زندگی کی طرف اگر لوٹنا پڑ گیا اللہ کے نام پہ، اللہ کے رسول کے نام پہ، اس ملک کے نام پہ جو کہ محمد الرسول اللہ کا قلعہ ہے، جو اسلام کا مورچہ ہے، تو تم کہتے ہو کہ ہمیں تکلیف ہوگی، ہم کہتے ہیں اللہ کرے اور تکلیف ہو۔ اگر وہ پابندیاں نہیں لگاتے ہیں تو ہم دعا کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ پابندیاں لگیں۔ مجھے آج ایک صحافی ڈرا رہے تھے کہ ملک صاحب اگر پابندیاں لگ گئی نا تو بہت مشکل ہوگی، اگر ہمیں نادہن ڈکلیئر کر دیا گیا تو ناکہ بندی ہو جائے گی۔ میں نے کہا یار وہ تو بہت ہی اچھا ہوگا، نہ کچھ آئے گا نہ جائے گا، یہی ستو گھول کے پیئیں گے۔ اور یار کیا ناکہ بندی ہوگی، تم دنیا کے جغرافیے سے، تاریخ سے، دنیا کے معاشی حالات سے واقف نہیں ہو، اس لیے قوم کو ڈراتے ہو۔ تم ان پڑھ لوگ ہو، پارلیمنٹ میں پہنچ گئے ہو ان پڑھ ہونے کے باوجود۔ اب یہ بھی تو بدنصیبی ہے نا کہ یار چپڑاسی لگانا ہو تو کہتے ہیں یار میٹرک ہونا ضروری ہے، لیکن وزیر ہونے کے لیے میٹرک ہونا ضروری نہیں ہے۔ اب اس کا کیا کیا جائے، نیشنل اسمبلی کا ممبر ہونے کے لیے میٹرک ہونا ضروری نہیں ہے، یا ایک پولیس میں ہم سپاہی بھرتی نہیں کر سکتے، ایک نائب قاصد نہیں رکھ سکتے اگر اس نے میٹرک نہیں کیا ہو، لیکن مرکزی وزیر بن جاتا ہے۔ وہ ہمارے زمانے میں ایک نعرہ لگا تھا کہ میٹرک فیل گورنر تھا، لگا تھا، نام میں نہیں لیتا۔ اب میٹرک فیل گورنر لگ جاتے بھائی، ان پڑھ لوگ ہیں یہ جو ہمیں ڈرا رہے ہیں۔ میاں دیکھو تمہارے ساتھ تجارت سے ڈرتے ہو، تمہاری تجارت پہ بندش لگے گی، یار آنکھیں کھول کے اپنے ملک کا نقشہ دیکھو۔ وہ شخص سمجھدار ہے جس نے بہت پہلے سے آپ کی موٹر وے شروع کر رکھی ہے، اور وہ بہت بڑی غدار حکومت تھی جس نے موٹر وے کو بند کرا دیا تھا۔ یہ موٹر وے کیوں شروع کرائی گئی تھی لوگ نہیں سمجھ رہے تھے، یہ اس دن کے لیے شروع کرائی تھی جو آ گیا۔ ہمیں تجارت کرنی ہے، وسط ایشیا کے ساتھ تجارت کرنی ہے، کابل کے ساتھ تجارت کرنی ہے، اور وسط ایشیا ایک ملک تو ایسا ہے کہ پورے ہندوستان سے اس کا رقبہ زیادہ۔ ہمیں ایران سے تجارت کرنی ہے، عراق سے تجارت کرنی ہے، ترکی کے ساتھ ہمیں تجارت کرنی ہے۔ آنکھیں کھول کے نقشہ دیکھو، کوئی ناکہ بندی درمیان میں نہیں آتی۔ تو دماغ سے بھی کام لیا کرو، میرے سیاستدان نہ بنا کرو، میرے دانشور نہ بنا کرو، عقل سے بھی کام لیا کرو۔ آج اگر دنیا کی ساری قومیں آپ کو ڈیفالٹر قرار دے دیتی ہیں، ناتہن قرار دیتی، تو اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں وہ آپ کی تاریخ کا سنہری دن ہوگا۔ قومیں چیلنج قبول کرنے سے ابھرا کرتی ہیں،
वरना एक ऐसी बीमारी का शिकार हो जाती हैं जिसका लफ्ज कुरान मजीद में मौजूद है मगर हम वो भूल गए, और वो है कुऊद, बैठ जाना। पंजाबी कहते लम्मा ही बैठ गया, कुऊद बैठ गए, झाग की तरह बैठ गए। कुरान मजीद ये लफ्ज बार बार इस्तेमाल करता है कि देखो कुऊद का शिकार ना होना। कुऊद ये है, अमर बिन आस रजी अल्लाह तआला से रिवायत है कि हुजूर ने फरमाया कि वो शख्स बर्बाद हो गया जो दीन में आया फिर एड़ियों के बल वापस चला गया। आया लेकिन एड़ियों के बल वापस चला गया। या रसूलल्लाह कैसे? फरमाया कि आया तो था, हिजरत भी उसने की थी, जिहाद भी उसने किया, लेकिन उसके बाद दुनिया की सहूलतों में ऐसा मगन हुआ कि उसको फिर जिहाद की भी फुर्सत न मिली, तबलीग की भी फुर्सत न मिली, और तिजारत और ज़राअत और मुलाजमत का होकर रह गया, ये दीन से वापस चला गया। देखिए अबू दाऊद की हदीस, और इस हदीस को जरा गौर से सुने। इस हदीस की रूह से जिहाद जो है वो ऐन दीन है। जिसने जिहाद नहीं किया वो दीन से बाहर निकल गए। अल्फाज पे गौर कीजिए, और ये अल्फाज तो सिवाय अल्लाह के रसूल के और कह नहीं सकते। फरमाया इदा तबायअतुम बिलऐना, जब तुम तिजारत में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने लगो। इदा तबायअतुम बिलऐना, जब तुम तिजारत में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने लगो। वह अखज तुम अज़नाबल बकर, और बैलों की दुमों को थाम लो। वरगीतुम बिज़रअ, और ज़राअत में मुरब्बों में बागों में खेतों खलियानों में अपना मन लगा लो। वतरकतुमुल जिहाद, और जिहाद को छोड़ बैठो। सल्लतल्लाहु अलैकुम दुल्लन, अल्लाह तुम पे जिल्लत मुसल्लत कर। ला यंज़ऊहू, उस जिल्लत को नहीं हटाएगा, नहीं हटाएगा। हत्ता तरजिऊ इला दीनकुम, जब तक कि तुम दीन अपने दीन की तरफ लौट के नहीं आओगे। देखें अरबी अदब के तालिब इल्म होंगे तो बात आसानी से समझ में आएगी। मैं इसलिए कहता हूं कि अरबी पढ़े बगैर ना हदीस समझ में आती है ना कुरान। कहा तो ये था ना तरकतुमुल जिहाद, अगर जिहाद छोड़ बैठोगे तो अल्लाह जिल्लत मुसल्लत कर देगा, और उस वक्त तक ये जिल्लत नहीं हटाएगा। कहना यूं चाहिए इतने कि जब तक के फिर से जिहाद में न लग जाओ। हत्ता तरजिऊ इला जिहाद, यूं कहना चाहिए था ना कि जिहाद छोड़ा था, जिहाद छोड़ने की वजह से जिल्लत मुसल्लत हो गई, तो यूं फरमाना चाहिए था कि हत्ता तरजिऊ इला जिहाद, जब तक कि तुम वापस जिहाद की तरफ लौट नहीं आओगे जिल्लत अल्लाह नहीं हटाएगा। जिहाद का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल फरमाया। वह हत्ता तरजिऊ इला दीनकुम, जब तक अपने दीन की तरफ लौट के नहीं आओगे अल्लाह जिल्लत नहीं हटाएगा। मालूम यह हुआ कि जिहाद छोड़ने से दीन ही छूट गया। जिहाद छोड़ा तो दीन ही छूट गया। अब फरमाया वापस दीन की तरफ आओगे तो वो भी जिहाद के रास्ते से आओगे, कुऊद के रास्ते से बैठे रहने से नहीं। इसीलिए फरमाया फ़ज़लल्लाहु المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة। अल्लाह ताला ने मुजाहिदीन को जो अपने अमवाल से और अपनी जानों से अल्लाह के रास्ते में जिहाद करते हैं उनको बहुत फजीलत अता फरमाई है दर्जों में। अलल काइदीन, कुऊद करने वालों पे, बैठ रहने वालों पे अल्लाह ने बहुत फजीलत। और फरमाया फल्लदीन हाजरू,
वो लोग जिन्होंने हिजरत की, अपना देश छोड़ा, अपने माँ बाप, अपने बीवी बच्चे अल्लाह की खातिर छोड़ दिए, वह उखरिजू मिन दियारेहिम, और जिन्हें उनके देश से निकाल दिया गया, वह ऊजू फी सबीली, और जिन्हें मेरे रास्ते में ईजा पहुंचाई गई, इसलिए तकलीफ पहुंचाई गई कि यार ये दीन का काम करता फिर रहा है और खतरनाक साबित हो रहा है, थोड़ा सा इसको पुट इनटू हिज साइड, सीधा करो इसको, ऊजू फी सबीली, मेरे रास्ते में जिन्हें ईजा पहुंचाई गई, वो कातलू, और जिन्होंने अल्लाह के रास्ते में जंग की, वो कुतिलू, और कत्ल हो भी गए, लव कफरन अनहुम सैयातहुम, मैं इनकी सारी बुराइयां, इनके सारे गुनाह, इनकी सारी परेशानियां मैं इनसे दूर करता हूं, बोला उत्खिलन हम जन्नात, और हर हाल में जरूर बिल जरूर मैं इन्हें जन्नात में, बागात में, जन्नतों में दाखिल करता हूं। जीजाने गिरामी, असल जिंदगी जो है एक मोमिन की जिंदगी वो जिहाद है। शिफा आता था, तो मैं अर्ज कर रहा था कि मोमिन की जिंदगी तो सारी की सारी जिहाद है, बैठ रहने की जिंदगी तो है नहीं उसकी, वो जो अल्लामा ने कहा ना कि झपटना पलटना, पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। अल्लामा कहते हैं कि साहिले उफ्तादा गुफ्त, गर्चे बसे जीस्तम, हेच न मालूम शुद आह के मन कीस्तम, मौज से खुद रफ्ताए तेज खरामी दो गुफ्त, हस्तम अगर मीरवम गर नरवम नेस्तम। साहिल ने जो हजारहा साल से एक ही जगह पे खड़ा हुआ था, उसने पूछा कि मैं अपनी हस्ती से वाकिफ नहीं हूं, पता नहीं मैं क्या हूं। तो एक मौज आई, उसने जोरदार उसको एक थप्पड़ और थपेड़ा रसीद किया, और उसने कहा तुम्हें अपनी हस्ती की खबर नहीं है, मुझे है, मैं जानती हूं कि मैं क्या हूं, मेरी हस्ती इस झपटने और पलटने का नाम है, इस अंगड़ाई लेने का नाम है, हस्तम अगर मी रवम, अगर मैं इसी तुंदी और तेजी से चलती रहूं तो बहसियत मौज के मेरा वजूद कायम है, और अगर मैं ठहर जाऊं, बैठ जाऊं, कुऊद का शिकार हो जाऊं, तो फिर खड़ा बदबूदार पानी बन जाऊंगा, बन जाऊंगी, फिर मैं मौज नहीं रहूंगी, मेरा वजूद एक मौज का वजूद है, और मौज का वजूद हरकत पे, झपटने और पलटने पे, थपेड़े खाने पे और थपेड़े मारने पे है। यह है मुसलमान की जिंदगी। मुसलमान की जिंदगी वो नहीं है जो हमने यहां इख्तियार कर ली है, और यही वो बात है जिससे हुजूर ने डराया था, अलवहन बोदापन, मौत का डर, जिंदगी की आसाइशें। सहाबा कराम ने हजरत उमर से जमीनें मांगी, ये शाम की, इराक की बड़ी जरखेज जमीनें हमने फतह कर ली हैं, वो सहाबा में बांट दीजिए। आपके अल्फाज थे कि मेरे प्यारे रसूल के प्यारे सहाबियों, एक बात याद रखना कि अल्लाह ने तुम्हें इस काम के लिए पैदा नहीं किया कि तुम जमीनों पे जाके बैठ जाओ और हल चलाओ, ये काम अपनी जगह पे जरूरी है, और जो लोग कर रहे हैं उन्हीं को करने दो, मैं कुंडी खटखटा के उसका खराज, उसकी आमदनी तुम्हारे घर तक पहुंचा दिया करूंगा, लेकिन जिस काम में तुम लगे हुए हो उस काम को नहीं छोड़ना, तुम उसके लिए पैदा किए गए हो, वो जिहाद है, वो तबलीग है, वो दावत है।
عزیزان گرامی، ہم جس مرحلے سے گزر رہے ہیں یہ مرحلہ پھر سے جہاد کا تقاضا کرتا ہے. میں پھر سے مطالبہ کرتا ہوں، میں نے گزشتہ جمعہ بھی عرض کیا تھا کہ ہمیں اعلان جہاد کرنا چاہیے. پوری امت پوری قوم کو جہاد کے لیے تیار کرنا چاہیے. تمام سکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، عوام میں ایک فوجی تربیت کی لہر اٹھانی چاہیے. ایک راز کی بات آپ کو بتا دوں، قومیں، ملک فوجوں کے بل بوتے نہیں جیا کرتے. پچانوے ہزار فوج نے ہتھیار ڈال دیے نا مشرقی پاکستان میں. اگر ہمیں فوج بچا سکتی تو ہمارے پاس تو 6 ماہ کا اسلحہ بھی موجود تھا مشرقی پاکستان میں، راشن بھی موجود تھا، فوج بھی موجود تھی، سب کچھ موجود تھا، لیکن ہم لڑ نہیں سکے، ہم نے ہتھیار ڈال دی. کیوں؟ اس لیے کہ قوم لڑنے کو تیار نہیں تھی. مشرقی پاکستان کا بنگالی وہ ہمارے حق میں لڑنے کو تیار نہیں تھا، وہ ہمارے خلاف تھا. اگر مشرقی پاکستان میں عوام ہمارے ساتھ ہوتے تو جنگ کا نتیجہ الگ ہوتا. کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جنگ میں فوج نہیں لڑتی، قوم لڑا کرتی. قوم کا جذبہ لڑا کرتا ہے، فوجیوں کی مائیں لڑا کرتی ہیں، ان کی بیویاں لڑا کرتی ہیں. قوم کا ایک مورال ہوتا ہے، اس کی ایک تربیت ہوتی ہے، وہ لڑا کرتی ہے. فوج تو ایک جز کو سنبھالتی ہے، سارا دفاع ایک ایٹم بم پہ نہیں ہوگا. دفاع کے لیے قوت ایمان چاہیے، اور پوری قوم کو نئے سرے سے. آپ کو یاد ہوگا، جو لوگ میری عمر کے ہیں انہیں اچھی طرح سے یاد ہے، قائد اعظم رحمت اللہ علیہ نے نیشنل گارڈز بنائے تھے 1947 میں، اور وہ ہر شہر میں، چھوٹے شہر میں، بڑے شہر میں، ہر محلے میں صبح نماز کے بعد وہ 1.5-2 گھنٹے تک فوجی تربیت کیا کرتے ہیں. اور اس کے بعد جب سے، میری بات پہ دھیان دیجئے گا، جب سے ہم نے قرض لینا شروع کیا تو قرض دینے والے نے ہم پہ شرط لگائی کہ نیشنل گارڈ بن کر دو. ایوب خان نے پہلی مرد پہ نیشنل گارڈ ختم کر دیے، بلکہ اس سے پہلے ہی ختم ہو چکا. قرض خواہ کا یہ مطالبہ، قرض دینے والے کا یہ مطالبہ ہے، آپ کے IMF کا یہ مطالبہ ہے، آپ کے تمام مانیٹری ایجنسیز کا یہ مطالبہ ہے کہ ہم مسجدوں میں تعلیم نہ دیا کریں. ہم نے ایک اسکیم بنائی، بہت بڑی اسکیم بنائی حکیم سعید صاحب نے اور میں نے مل کے، جب حکیم سعید صاحب گورنر تھے. حکیم سعید صاحب ابھی زندہ ہیں، ان سے پوچھئے. حکیم صاحب میرے یہاں تشریف لائے، میں نے ان کو اسکیم بنا کے دی، انہوں نے اس کی 3-4 مہینے میں فیزیبلٹی رپورٹ تیار کی اپنی گورنری کے زمانے میں، اور انہوں نے کراچی میں فاران کلب میں، جس کی جلسے میں جس کی میں صدارت کر رہا تھا اور وہ چیف گیسٹ تھے، انہوں نے اعلان کیا کہ ڈاکٹر صاحب کے کہنے پہ میں نے یہ فیزیبلٹی رپورٹ تیار کی اور یہ میں نے اپنی حکومت کو بھیجی، لیکن ہماری حکومت کو اوپر سے اجازت ہی نہیں ملی
कि स्कूलों में मदरसे कायम किए जाएं, मस्जिदों में मदरसे कायम किए जाएं, मस्जिदों में प्राइमरी स्कूल कायम किए जाएं, मस्जिदों को तालीमी मराकज बनाया जाए, इजाजत नहीं मिली। अजीजाने गरामी, एक आजाद कौम की हैसियत से हमें उभरना होगा, अपने बच्चों को जिहाद के लिए तैयार करना हो, खुद को जिहाद के लिए तैयार करना हो। मैं नाम भूल रहा हूं, एक सहाबी थे, बेचारे चल नहीं सकते, टांगों से माजूर हो गए, बहुत बूढ़े थे, तो उनका यह मुतालबा होता था कि इनको उठा के घोड़े पे बिठा दिया जाए और उनके हाथ में नेजा थमा दिया जाए और उसके बाद उस सफों को चीरते हुए दर्जनों इंसानों को कत्ल करते हुए निकल जाते हैं। और यह भी मैं अर्ज करता हूं कि यह जिहाद की तैयारी जहां हर हर फर्द का अपना जाती फर्ज है, हर इंडिविजुअल का, वहां यह हुकूमत का भी फर्ज है कि अफराद को मुजाहिद बनाए, उनकी जिहाद की फौजी तरबियत दे। देखिए एक हदीस में आपके सामने पढ़ता हूं, एक सहाबी आते हैं और सैयदना उमर रजी अल्लाह तआला से कहते हैं, अमीर मोमिन मैं जिहाद पे जाना चाहता हूं, तो आप बैतुल माल से उसको माल देते हैं, उसको सवारी देते हैं और खलीफतुल मुस्लिमीन उस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा जी कुव्वत फरमा रवा, वो उनके ऊंट का कजावा खुद बांधता है और उसको बांध के ऊंट पे सवार करके कहता है जाओ अल्लाह के रास्ते में और खुद पीछे पीछे चल पड़ते हैं। वो मुजाहिद ऊंट पे जा रहा है, अमीरुल मोमिनीन उसके पीछे पीछे साथ जा रहे हैं, तो मुड़ के देखता है अमीरुल मोमिनीन आप मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हैं? कहते हैं भाई बस एक लालच है, तुम अल्लाह के रास्ते में जिहाद के लिए निकल खड़े हुए हो और मुजाहिद की दुआ अल्लाह ताला रद्द नहीं किया करता, मैं इस नियत में था कि तुम्हारे दिल में ख्याल आ जाएगा तो मेरे लिए भी दुआ कर दो। तो वो वही रुक जाता है और सैयदना उमर फारूक के लिए वो दुआ करता है कि ऐ अल्लाह इसने अल्लाह के रास्ते में मुझे निकालने में इतनी मदद की है, ऐ अल्लाह तू इस पे राजी हो जा। और सैयदना उमर फारूक आंसू बहाते हुए उसको अलविदा कहते हुए वापस मदीने आ जाते हैं। दोस्तों ये हमारी जिंदगी है और उसमें इंतहाई सादगी है। मैं आपको बताऊं बैतुल मक्दिस की चाबी वसूल करने जा रहे हैं, भाई एक से ज्यादा ऊंट भी लिए जा सकते थे, मुश्किल घोड़े पे भी, लोगों ने कहा साहब ये मुश्किल घोड़ा है इस पे बैठ के जाइए आप, ये शाही पोशाक है ये आप पहन के जाइए, शाही पोशाक भी पहन ली, मुश्किल घोड़े पे भी बैठ गए। अब जो चले कहते हैं यार रोक दो, मेरा नफ्स जो है वो मुझे ईजा पहुंचा रहा, मैं खुद पसंदी में मुबतला हो रहा, ये लिबास पहन के और इस घोड़े पे बैठ के वही मेरा पैवंद वाला कुर्ता ले आओ यार, मैं मुझसे ये इसका मैं मुकाबला नहीं कर सकता, मैं कहां तक इसके साथ लड़ता हुआ जाऊंगा। वो शाही पोशाक भी उतार दी, वो मुश्किल घोड़ा भी हटा दिया, अपने ही ऊंट पे बैठ गए और अपना वही पैमंदों वाला कुर्ता पहन के बैतुल मक़दिस पे आके चाबियां वसूल कर ली। अज़ीज़ाने गरामी, हमें लौटना हो, हमने अपनी जिंदगी जो हमारी अपनी जिंदगी है, जो हमारी अपनी सकाफत है, अपनी तहजीब है, अपना कल्चर है और उसमें बहुत सादगी है, उसमें बहुत हुस्न है, उसमें ये तीन तीन खाने नहीं है। सुनो हकीम सईद कहते हैं, मुझे कहते हैं कि तुम फतवा दे दो कि दोपहर का खाना हराम है, शरण जायज ही नहीं है, हुजूर से साबित ही नहीं है दो वक्त का खाना। और दुनिया में जितने सेहतमंद लोग आप देखेंगे जिनकी उम्र 100 साल 110 साल,
वही लोग होंगे जो सुबह 9-10 बजे एक खाना खाते हैं, दूसरा खाना मगरिब के वक्त खा लेते हैं। आप एक मजे की बात बताऊं, हाँ हमसे लोग छीन गए, हमारा इस्लाम भी छीन के ले गए। मैं जब स्टेट गेस्ट था अमेरिका बहादुर का, 23-24 दिन इनके यहां रहा, तो हमें जितने भी डिनर हमें सर्व किए गए, वहां मगरिब होती है, सूरज तुलू होता है आम तौर पर 9 बजे, 9:15 बजे, 9:30 बजे, गुरू इस वक्त होता है। ये तकरीबन सितंबर का महीना था, तो आमतौर पे हम जिन इलाकों में फिरते रहे, गुरूब का वक्त 9:15-9:30 था, तो डिनर किस वक्त होना चाहिए था? 11 बजे, 12 बजे होना चाहिए, 1 बजे होना चाहिए हमारे हिसाब से, गुरूब के 2-3-4 घंटे बाद होना चाहिए था। आप मेरी बात पे यकीन करेंगे कि हमने जहां जहां डिनर खाया वो 5:30 बजे खाया, सूरज गुरूब होने से 4 घंटा पहले, 4:30 घंटा पे, 5 बजे, 5:30 बजे ये डिनर टाइम है उनका। उन्होंने देख देख कर कमबख्त, ये लोग इस्लाम पे हमसे ज्यादा अमल कर रहे, सिर्फ इस्लाम का नाम नहीं लेते, बेईमान लोग हैं, लेकिन इनकी जिंदगी का जो तर्ज है वो हमारे मुकाबले में इस्लाम से ज्यादा करीब। अब वो ब्रेकफास्ट और लंच के लिए एक लफ्ज उन्होंने निकाल लिया है, ब्रंच, और वो दिन 10 बजे वो कर लेते हैं, 9-10 बजे ब्रंच हो गया और 5:30 बजे डिनर हो गया। अजीजानी गरामी, जिंदगी यूं भी गुजारी जाती है, और ये दुनिया के मुतमविल तरीन लोग ऐसे दो खाने खा रहे। लौट आइए सादगी की तरफ, और उसी में इज्जत है, और लौट आइए जिहाद की तरफ। ये हुजूर ने फरमाया, जब तक उसकी तरफ नहीं आओगे, दीन की तरफ नहीं आओगे, मैं तुमसे जिल्लत नहीं हटाऊंगा, ये अल्लाह ताला का फरमान है। इस जिल्लत को हटाइए, जिहाद की तरफ आइए, दीन की तरफ आइए, गैरत की बात, दिल की बात मानिए, शिकम की नहीं। फैसला तेरा, तेरे हाथों में है, दिल या शिकम। दिल की आजादी शहनशाही, शिकम सामाने मौत, फैसला तेरा, तेरे हाथों में है, दिल या शिकम। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।